कैसे डालोगे? इस तकोंडला है? ये तो लगेगा ही नहीं। पकड़ प्रतीक। लग तो गया। पकड़ियो भाई प्रतीक, हाथ लगा इसके। हालत खराब तो पंप मारा उसकी हो गया, प्रतीक की कैसे होगी? यही कह रहा है ये कि हालत खराब हो जाएगी तेरी। बेचारा स्कूल से आया, आज से हवा भरवाने के लगा दो तुम। ताजी थैंक्स, लगा दे ढक्कन लगा दे। लाओ दो 20 रुपए। 20 रुपए नहीं भाई, 50 हो गए। 50 ले, 100 दे देने। 100 दे देंगे भाई, 100 दे देंगे। दो सर दे दे दो। दो गुस्सा देते तेरे। हवा भरने का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं यहां पे। कोई नहीं आएगा। हे गाइस, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो राइट नाउ मैं अभी-अभी स्कूल से आया हूं। इट्स राइट नाउ 3 एंड आते ही यहां पर गाड़ी के टायर में हवा भर गया। क्या जोर लगता है ना गाड़ी में हवा भरने में, पंप में, और पंप इतना गर्म हो जाता है ना। और देखो अब तो ठीक ठाक है, पंचर हो गया पीछे वाले टायर में, तो दादरी तक तो चली जाएगी हवा भरवा के। उसके बाद वहाँ पे पंचर लगवा लेंगी मम्मी। तो मम्मा दादरी जा रही थी कुछ काम से, तो फिर भरवा दिया। तो मम्मा जा चुके हैं गाइस, अपन चलो अभी खाना खाते हैं, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। एंड एक बात बताता हूँ देखो आपको, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर आपके टायर में थोड़ी हवा कम है ना, मतलब गाड़ी खड़ी है तो टायर थोड़ा दबा दबा लगेगा, बिकॉज उसमें हवा कम है। एंड जब आप चला लोगे ना उसको कुछ देर के बाद, उसके बाद रोक के देखना, आपका टायर है ना थोड़ा सा, मतलब उसका क्या बताऊँ, उसकी हवा है ना अंदर की वो ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी। हवा तो ज़्यादा नहीं होगी, बट जब चलेगा ना तो हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं टायर के अंदर, तो उनके बीच में स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो वो टायर की बोल पे है ना फोर्स लगाएंगे, जिससे कि टायर थोड़ा फुला फुला लगेगा और जो हवा है ना टायर के अंदर वो स्टेबल लगेगी। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि टायर में हवा कम है। गाड़ी खड़ी रहती है ना तब लगता है कि हमें हवा कम है, बट चलने के बाद वो नहीं लगता कि हवा कम है। ज़्यादा ही हवा कम हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते, थोड़ी बहुत हवा कम होना तो वो चल जाती है। चलो वाह, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया गाइस आपको। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? और कैसे हो क्या, व्लॉग तो स्टार्ट कर ही चुका हूँ। मैं सो गया था तो मेरे को ध्यान आया, मतलब उठा तो कि आज तो व्लॉग शूट ही नहीं किया, बट व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर ही रखा है मैंने। मैं आते यहाँ पर चीकू के पास सो गया हाथ में है बब्बा, और ये फ़ोन में लगा हुआ है तब्बा। नहीं नहीं, फोन में नहीं लगे हुए, मैं ट्रैक्टर पे गया जी। जा बैंड बजा दे मेरी, क्यूट क्यूट से गाल तोड़ दी चीकू। चीकू को नींद नहीं आई, मैं तो सो सा के मतलब उठ भी गया, चीकू अपने ऐसे ही जाग रहा है। ए बबुआ सो जाता रे, सो जाता। ए बबुआ कोई बात नहीं, चलो तो गाइस सब उठते हैं, बात अच्छे से कर लो। आपका हाथ अंदर कर देता हूँ, आपको सर्दी सर्दी लग जाएगी। यार एक तो इस मोर ने खा लिया, फिर आ गया यार वो छतरी के चोच पे चोच मारे जा रहा है। मैं स्कूल से आने के बाद 4 बार छत पे चढ़ चुका हूँ, और पता है कौन सी छत पे चढ़ रहा है, जहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं, इस छत पे है ना यहाँ दीवार चढ़ के जाना पड़ता है यार इतना ऊपर, वो रुकी नहीं रहा। आपको दिखाता हूँ गाइस। ना बेटे भाग क्यों रहा है, अब और मार ले चोच, मेरे हाथ ही भाग जाता है गाइस। एक तो ये मोर डरते भी तो नहीं है, इतने ब्रेव होते हैं यार ये। देखूँ मैं कितना पास खड़ा हूँ, जय निरा लड़का हैरान हो रखा है। भाग बे, भाग 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 जा। चलो गया, अबे थोड़ी देर के लिए गया है, वापिस आ जाएगा। ये तोड़ के रख दिया यहाँ पर सारी तारे तुरे, और वो चिड़िया अच्छी है गाइस, चुपचाप बैठी आराम से। क्या इस छतरी के लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी बिठानी पड़ेगी गाइस, वो गया नहीं है वो रहा। देखो मौसा जी वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर पेड़ के पास। मैं नीचे जाऊँगा, बस उड़ के ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद फिर से इसको चोच मारेंगे। पता नहीं इससे क्या एलर्जी है उसको, पहले उस वाली छतरी की बैंड बजा रहा था, अभी इस वाली छतरी की बैंड बजा रहा है। यार रुक जा ना, क्यों परेशान कर रहा है, खुद भी हो रहा है हमें भी परेशान कर रहा है। इसको चोच मार मार के क्यों अपनी तू अपनी चोच की सहारा है। एक ये है जो मिट्टी में घुसा हुआ है, तो थार से कौन निकलवाता बावड़ी बूझ, ट्रैक्टर को क्रेन बुला। ले तू मेरे तीन 10 रुपया दे, मैं काट के दूँ। ले मैं निकाल के दे रहा था, मैं काट के दे दूँ। रुक जा, अब भी अकल आ
फंसी लल्ले लल्ले कड़े फंस गया भाई ना। सो बाय बाय बी कंटिन्यू। चिकू के लिए दूध ठंडा कर रहा था गाइस बिकॉज मम्मा तो अभी नहीं आएंगी तो फिर मैं ही पिला देता हूँ, तो फिर अभी ठंडा ही कर रहा था, बस हो ही गया होगा आई गैस। ओए बाबा चढ़क चढ़क पी जा सारा तू। अरे गिरा दिया। अरे वो गई गर्दन नीचे ले गया चिकू बबुआ। पूछो बच गया, वाइट शर्ट थी आपकी, वाइट शर्ट के ऊपर दूध गिर जाता ना तो बिल्कुल भी नहीं होता यार, मैचिंग कलर हो जाता, वाइट वाइट निशान नहीं बनता गाइस, नहीं बनता ना चिकू। ये लो तो और पियो, इसको हटाओ यार, ये शाल बड़ी परेशानी कर रहा है गाइस, है ना। चलो अभी बबुआ तुम्हारा दूध बचा हुआ है, तुम दूध से नहीं बच सकते, सारा दूध पीना ही पड़ेगा आपको। हाँ कई ऐसे ड्रामे करते हो कि दूध नहीं पीना पड़ती की तरह, और मम्मी आ जाती तो ये घूट मम्मा पिलाती। वाह मान गए लड़के, ऐसे लड़के चाहिए मैं, तुम जरूर कामयाब होगे बच्चे। बड़ नीचे से चीकू का पेट भर चुका है, बताना चीकू। अरे बोल लो ना बबुआ, सारा दूध फिनिश कर दिया। यो कैसे लग रहे हैं अपुन, देखो तो आगे देखियो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है अपना चीकू। अरे बबुआ मारते क्या, चुप हो जा, चुप हो जा मम्मा, वो मम्मा देखियो इसे। निकल मेरे रूम से बाहर निकल। तेरी अब बोले। इट्स राइट नाउ 7:23 गाइस, एंड चलो मैं थोड़ा स्कूल का रिटर्न वर्क कर लेता हूँ, मेरे पास रिटर्न वर्क है थोड़ा, तो वो कर लेता हूँ अभी बैठ के।